नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान बिंदु का बिहार दुर्गा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल दोस्तों। तो दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने है। सबसे पहला सवाल देखेंगे दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला दोस्तों कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है दोस्तों, तो ये सही है। ठीक है, भारतीय संविधान बृहद होने का कारण इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकार का संविधान समाहित है दोस्तों, तो ये भी सही है। ठीक है, याद रखिएगा। पूछ रहा है कि कथन सत्य है दोस्तों, कौन कौन सा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक और दोनों कथन क्या है दोस्तों, सत्य है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल देखिएगा। सेकेंड नंबर सवाल है कि वह कौन सा संविधान संशोधन जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की उपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो वह कौन सा संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन जिसमें भारतीय संविधान में से प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की उपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 1976 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है दोस्तों, ये भाग 4 में है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला दोस्तों थ्री नंबर सवाल देखिएगा। थ्री नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों का सात मौलिक अधिकार दिए गए थे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 1 भी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा, यानी कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए और एक और दोनों सत्य है। ठीक है, तो मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, 7। ठीक है, ये सही है। तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये कितने हैं, तो ये है दोस्तों वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, याद रखिएगा 6 है। ठीक है, तो उपयुक्त में से दोनों कथन सही है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मूल कर्तव्य या फिर मौलिक अधिकार के बारे में अगर बात करेंगे तो भाग कितना में दोस्तों, तो भाग 3 में है। अनुच्छेद कितना से कितना लेकर, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार का उल्लेख है दोस्तों भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। फोर नंबर सवाल देखिएगा। फोर नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो साधारण विधेयक। ठीक है, किस संबंध में, तो साधारण विधेयक के संबंध में उत्पन्न विवाद का जो निर्णय है वो हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आहूत की जा सकती है, साधारण विधेयक के उत्पन्न विवाद का। ठीक है, अगर बात करेंगे दोस्तों कि संयुक्त बैठक का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद कितना में है, अनुच्छेद 108 में, याद रखिएगा कि संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 108 में है दोस्तों। ठीक है, वित्त विधेयक का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद कितना में है, याद रखिएगा अनुच्छेद 117 में है। ठीक है, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। संविधान संशोधन विधेयक का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद कितना में है, अनुच्छेद 368 में है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, फाइव नंबर सवाल देखिए। फाइव नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों, याद रखिएगा। तो सबसे पहला कथन है कि वह लोकसभा का सदस्य होता है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। वह राज्यसभा का सदस्य होता है, ये भी गलत है दोस्तों। वह किसी भी सदन का सदस्य होता है दोस्तों, ये भी गलत है। वह संसद सदस्य नहीं होता है, ये सही है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो दोस्तों, ये क्या है, ये कथन सही है। क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो वह संसद सदस्य नहीं होता है। अगर बात करें वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति दोस्तों जगदीप धनखड़, याद रखिएगा, जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। ठीक है, भारत के। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सिक्स नंबर सवाल देखिए दोस्तों। सिक्स नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है। सिक्स नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन पर कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, असत्य पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला कथन है कि 1857 का विद्रोह कानपुर से प्रारंभ हुआ था, ये दोस्तों क्या है, ये ही गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाए दोस्तों, ये गलत है। याद रखिएगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, कानपुर से प्रारंभ नहीं हुआ था बल्कि मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था, मेरठ से दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं कि 1857 क्रांति के समय वायसराय कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है,
चलिए अगर देखिएगा कि चर्बी वाला कारतूस का उपयोग में लाना 1857 क्रांति का विद्रोह का तात्कालिक कारण था। दोस्तों ये सही है, ठीक है। मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा आगे क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है कि मंगल पांडे बैरकपुर यानी कि बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, यह भी सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सेवन नंबर सवाल देखिए दोस्तों। सेवन नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है कि रंगोली, ये महाराष्ट्र से संबंधित दोस्तों, ये सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अल्पना पश्चिम बंगाल दोस्तों, ये भी सही है। मंडाना राजस्थान, ये भी सही है दोस्तों। अर्पण गुजरात, ये दोस्तों गलत है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी अर्पण गुजरात दोस्तों गलत है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, आठ नंबर सवाल देखिएगा। एट नंबर सवाल आपके सामने है कि ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल बिहार बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था। दोस्तों ये लागू किया था 1793 में, याद रखिएगा कि ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष 1793 को अस्थाई बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल बिहार बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एट का। नाइन नंबर सवाल देखेंगे, देखिए दोस्तों नाइन नंबर सवाल आपके सामने है कि कौन सी अवधारणा बौद्ध जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है। दोस्तों याद रखिएगा कर्मवाद का सिद्धांत, याद रखिएगा कि कौन सी अवधारणा, तो कर्मवाद का जो सिद्धांत है दोस्तों ये बौद्ध धर्म जैन धर्म और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है दोस्तों, कर्मवाद का सिद्धांत। अगला है दस नंबर कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दोस्तों, याद रखिएगा तो दक्षिण का पठार, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेन का। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 11 नंबर सवाल देखिएगा। 11 दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों सबसे पहला है लोकटक दोस्तों, ये मणिपुर में स्थित है, ये सही है दोस्तों। हुसैन सागर दोस्तों, ये कर्नाटक में नहीं है बल्कि तेलंगाना में है, तेलंगाना के हैदराबाद में, याद रखिएगा हुसैन सागर है दोस्तों, याद रखिएगा तेलंगाना में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सुमेलित क्या है नहीं है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है दोस्तों, सही है दोस्तों। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हुसैन सागर दोस्तों कर्नाटक में नहीं है बल्कि तेलंगाना के हैदराबाद में है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, 12 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत उत्पादन का ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। दोस्तों ये सही है, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन जो है ये ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। अगला कथन दो है कि जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है। दोस्तों ये सही है, तथा भारत के प्रायः सभी भागों में सदनी नदियों की प्रचुरता होता है, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर कथन वन कथन दो भी सही है, ठीक है। आइए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे, समझिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। कथन एक सत्य है, कथन दो भी सत्य है, कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 12 का। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 13 नंबर सवाल देखिएगा। 13 नंबर सवाल आपके सामने है कि विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा 7 दिसंबर को, ठीक है, 7 दिसंबर को विश्व नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है, 7 दिसंबर को, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, 14 नंबर सवाल कि मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। दोस्तों याद रखिएगा कि मानसूनी जलवायु का प्रमुख विशेषता है वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है, वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन। चलिए अगला देखेंगे, 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 नंबर सवाल आपके सामने है कि चुनाव में पूर्ण मतदान कराने का अधिकार किसे है। दोस्तों यह है चुनाव आयोग को, याद रखिएगा, ठीक है। चुनाव में पूर्ण मतदान कराने का जो अधिकार है ये किसे है, यह है दोस्तों चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा चुनाव आयोग का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चुनाव आयोग का जो उल्लेख है दोस्तों, निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 324 में है। किसमें है दोस्तों, अनुच्छेद 324 में उल्लेख किया गया चुनाव आयोग का उल्लेख, ठीक है। इसका स्थापना 25 जनवरी 1950 के हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 16 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 16 नंबर सवाल है दोस्तों, कॉलम ए से कॉलम मिलाना है दोस्तों। अगर बात करेंगे कॉलम ए में क्या है दोस्तों, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, देखिएगा। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों कि देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों, सुकुमार सेन थे, ठीक है, यानी कि वन का ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए मीटर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, अगर देखते हैं तो वन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वन का घा हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करेंगे कि देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, तो टू का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ग राष्ट्रपति, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त की, ठीक है, तो 1991 के चुनाव में, याद रखिएगा, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
थ्री का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, और फोर का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। वन का घा, टू के ग, थ्री के क, फोर के ख हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 नंबर सवाल आपके सामने है कि 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 44वें संविधान संशोधन का जो मुख्य लक्ष्य है, यह भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना, ठीक है। याद रखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन का जो मुख्य लक्ष्य क्या है, भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था, कब हुआ था, 1978, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 18 नंबर सवाल देखिएगा। 18 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, सत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो चाणक्य को विशाख दत्त के नाम से जाना जाता था दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, याद रखिएगा। चाणक्य को विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, चाणक्य को विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये कथन क्या है दोस्तों, सत्य है, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आइए दो ऑप्शन और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पे दो और ऑप्शन है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था दोस्तों 322 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को नहीं बल्कि जैन धर्म को अपना लिया था, कौन सा धर्म, जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है। ये भी ऑप्शन नंबर गलत है दोस्तों। सम्राट अशोक कलिंग विजय के उपरांत जैन धर्म का अनुयायी बन गया था, ये भी गलत है दोस्तों। अशोक जो था, ये कलिंग विजय के उपरांत जो है, ये जैन धर्म का नहीं बल्कि बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, ठीक है। कौन, कलिंग विजय। कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है, देखिए यहाँ पे, कि समरांगन सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। समरांगन सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी कथन क्या है दोस्तों, सत्य है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 20 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 20 नंबर सवाल आपके सामने है कि उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य तीन से भिन्न है दोस्तों, याद देखिएगा, जगन्नाथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य तीन से भिन्न है, तो जगन्नाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 21 है कि फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना दोस्तों, तो सैयद बंधु के सहयोग से, याद देखिएगा, सैयद बंधु के सहयोग से फर्रुखसियार जो है वो मुगल बादशाह बना था। चलिए अगला देखते हैं, 22 नंबर सवाल देखिएगा। 22 नंबर सवाल आपके सामने है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। लाल मिट्टी लाल किसी होती है दोस्तों, लौह ऑक्साइड कारण होती है, याद रखिएगा। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है दोस्तों, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है, याद रखिएगा। तो बिहार में जो प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला 23 नंबर, निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, सरसों दोस्तों, याद रखिएगा, सरसों जो है ये खरीफ फसल नहीं है, चावल खरीफ फसल है, कपास भी खरीफ फसल है, और सोयाबीन जो है ये खरीफ फसल है। सरसों क्या है दोस्तों, ये खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है, तो मिस्ट्रल, ठीक है, मिस्ट्रल जो है ये स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी दोस्तों चिनुक, सी रॉक को उसके बाद फॉन, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब स्थानीय पवन है, ठीक है, मिस्टर जो है स्थानीय पवन नहीं है। अगला देखेंगे, 25 नंबर सवाल देखिएगा। 25 है आपके सामने कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अगर बात करेंगे, ये कहा जाता है दोस्तों कि मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसद के किन सदस्यों को, तो मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, ठीक है, यानी 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 26 नंबर सवाल देखिए। 26 है कि ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो अगर बात करेंगे कि ब्रिटेन के किस राजा ने, तो चार्ल्स द्वितीय ने, याद रखिएगा, चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था, ठीक है। अगला है दोस्तों 27 नंबर कि विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे
अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था। तो कृष्णदेवराय, याद रखिएगा, कृष्णदेवराय जो थे ये क्या किए थे, विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था। दोस्तों याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का दो नामक भाई ने मिलकर किया था। कब किए थे, 1336 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य सबसे महानतम शासक कौन था दोस्तों, ये कृष्णदेवराय था। कौन था, कृष्णदेवराय के समय में कौन आया था दोस्तों, विदेशी यात्री आया था, तो निकोलो कोंटी आया था, बारबोसा आया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अच्युत देवराय दोस्तों देवराय द्वितीय शासन काल में आया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं कि विजयनगर के शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था, तो कृष्णदेव राय किया था। चलिए अगला देखते हैं, 28 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, 28 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों। अगर बात करेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है कि पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है दोस्तों, ये सही है, ठीक है, याद रखिएगा। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 क्या है दोस्तों, ये सभी सत्य है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 का। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, 29 नंबर सवाल देखिएगा, 29 है कि बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, तो पाइपलाइन से, ठीक है। बरौनी में किस मार्ग से, तो पाइपलाइन से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। अगला है 30 नंबर कि धरती बाबा किसे कहा जाता था, याद रखिएगा, बिरसा मुंडा को, ठीक है, बिरसा मुंडा को धरती बाबा के नाम से जाना जाता था दोस्तों, बिरसा मुंडा को। चलिए अगला देखेंगे, 31 नंबर सवाल देखिएगा कि नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है दोस्तों, तो होता है दोस्तों छठी कक्षा में। कौन सी कक्षा में, छठी, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय में दाखिला जो होता है किस कक्षा से में होता है, छठी कक्षा में होता है। अगला है 32 नंबर कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी दोस्तों। अगर बात करेंगे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति दोस्तों किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी, तो वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32 का। चलिए अगला देखते हैं, 33 नंबर सवाल देखिएगा, 33 है कि दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहाई धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल जो है ये किस धर्म से संबंधित है, तो बहाई धर्म से संबंधित है दोस्तों, और दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल। अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा यहूदी किस देश से पाया जाता है दोस्तों, तो इजराइल में, ठीक है। अभी पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन में दोस्तों हमास में युद्ध चल रहा है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा यहूदी जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो इजराइल पाया जाता है। इजराइल की जो राजधानी होता है दोस्तों जेरूसलम होता है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों 34 नंबर सवाल देखिएगा, 34 आपके सामने कि निम्न कथन कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करेंगे सबसे पहला कथन क्या है, तो सबसे पहला कथन है दोस्तों क्या पूछा है दोस्तों, असत्य पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहला कथन है कि 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है, यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है एवं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है दोस्तों, ये सत्य है, ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों कि भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं तथा इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन सी है कि भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे का 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है। ऑप्शन नंबर अगर हम लोग डी देखेंगे दोस्तों, तो इसे यहाँ समझिएगा कि 1 डिग्री अक्षांश से 120 किलोमीटर के बराबर होता है दोस्तों, गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये क्या असत्य है। देखिएगा, 1 डिग्री जो अक्षांश होता है 120 किलोमीटर के बराबर नहीं होता, बल्कि 111 किलोमीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। 1 डिग्री जो अक्षांश होता है 111 किलोमीटर के बराबर होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 34 का। देखते हैं अगला दोस्तों 35 नंबर सवाल देखिएगा, देखिए यहाँ पे 35 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। सबसे पहला चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। यहाँ पे है कि उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो बात करेंगे दोस्तों, इन सभी से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त देशों में सभी, यानी कि सभी हो जाएगा दोस्तों, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी से होकर कौन से रेखा गुजरती है दोस्तों, मकर रेखा, याद रखिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, ठीक है। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, और भूमध्य रेखा जो है विषुवत रेखा वो कांगो नदी को 2 बार काटती है। अगर बात करेंगे चिली राजधानी क्या होता है दोस्तों, सैंटियाना, ठीक है। चिली की राजधानी क्या होता है, सैंटियागो जो होता है चिली की राजधानी होता है। अर्जेंटीना राजधानी क्या होता है दोस्तों, ब्यूनर्स आयर्स जो होता है यह अर्जेंटीना राजधानी होता है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया होता है दोस्तों। नामीबिया की जो राजधानी होता है, नामीबिया की राजधानी होता है विंड हॉक होता है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका राजधानी क्या होता है दोस्तों, प्रिटोरिया, ठीक है, बुलम फाउंटेन,
ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होता है, तो कैनबरा जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपको 36 नंबर सवाल देखिएगा, 36 दोस्तों आपके सामने 36 नंबर सवाल देखेंगे कि किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है दोस्तों, याद रखिएगा गंगा नदी का, ठीक है। गंगा नदी का जो प्रणाली है जल सबसे अधिक उपयोग में आता है, गंगा नदी जो लंबाई है दोस्तों याद रखिएगा ये 2525 किलोमीटर होता है, याद रखिए। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गोमुख से निकलती है दोस्तों। अगर बात करेंगे गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा नदी लंबाई 2525 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी लंबाई कितना होता है दोस्तों, याद रखिएगा 2900 किलोमीटर होता है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों कहां जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, 37 नंबर सवाल देखिए, 37 नंबर सवाल आपके सामने है कि वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है कि अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, एक सही है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करेंगे कि वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य होते हैं दोस्तों, ये गलत है, यानी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यानी कि 1, 2, 3 दोस्तों ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, क्योंकि वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य नहीं होते बल्कि 4 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 4, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों 38 नंबर सवाल देखिएगा, 38 है कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो केरल में हुआ था, याद रखिएगा कि भारत किस राज्य में, तो केरल राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का स्थापना हुआ था। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 39 नंबर सवाल देखिएगा, 39 है कि दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है दोस्तों, याद रखिएगा दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है, तो याद रखिएगा अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना, याद रखिएगा दबाव समूह का जो प्रधान उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। अगला दोस्तों 40 नंबर सवाल है कि मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है, उपमंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। तो मंत्रिपरिषद में जो वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों में जो सही क्रम होता है, उपमंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 का। अगला दोस्तों 41 नंबर सवाल देखिएगा, 41 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था दोस्तों, याद रखिएगा तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, यानी कि ऑप्शन नंबर 41 का ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 42 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, 42 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। सबसे पहला है कंदरीय महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। रथ मंदिर मलालपुरम दोस्तों, ये सही है। बृदेश्वर मंदिर मदुरै में नहीं स्थित, तंजौर में स्थित, कहाँ स्थित है, तंजौर, ठीक है, याद रखिएगा तंजौर जो दोस्तों, ठीक है। तो बृदेश्वर मंदिर दोस्तों ये तंजौर में स्थित है, ना कि मदुरै में दोस्तों, ये क्या हो जाए, क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सम्मिलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित दोस्तों, ये सही है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42 का। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 43 नंबर सवाल देखिए, 43 है कि स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रसारित करने में मुख्य रूप से किस का योगदान महत्वपूर्ण था दोस्तों, यह था लियाकत हुसैन का, ठीक है, याद रखिएगा। तो स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रकाशित प्रशासित करने में मुख्य रूप से किस का योगदान महत्वपूर्ण था, तो लियाकत हुसैन का योगदान महत्वपूर्ण था। चलिए अगला देखते हैं, अगला दोस्तों आपके सामने 44 नंबर सवाल देखिए, 44 सवाल आपके सामने है कि हिटलर ने वसाई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार किया कर दिया था दोस्तों, तो 1935 में किया था, याद रखिएगा हिटलर ने वसाई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया, तो 1935। अगला है 45 नंबर कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोही आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो ताना भगत आंदोलन, ठीक है, याद रखिएगा कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह या फिर आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ताना भगत आंदोलन, यानी कि 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 46 नंबर सवाल देखिए, 46 आपके सामने कि जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है, वो होता है दोस्तों जिला एवं सेशन जज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है, जिला एवं सेशन जज होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 46 नंबर सवाल देखिए, 46 नंबर सवाल आपके सामने है
सॉरी दोस्तों 47 नंबर है कि निम्न में से कौन से विकल्प में दिए गए कथन असत्य है। दोस्तों क्या पूछ रहा है? असत्य। ठीक है, अगर बात करेंगे कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह गुरु तेज बहादुर के पुत्र थे, दोस्तों ये सही है। गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु थे? नहीं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी दोस्तों असत्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है। तो गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु नहीं थे, बल्कि गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 5वें। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, कब किया था दोस्तों याद रखिएगा? 1699 में किया था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 1699 खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। गुरु अर्जुन देव ने हर मंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर का स्थापना किए थे, ये दोस्तों सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, 48 नंबर सवाल देखिए। 48 दोस्तों आप सामने कि मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है दोस्तों? तो 022 है दोस्तों। क्या है? 022 जो है ये मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है दोस्तों। अगला है 49 नंबर कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है दोस्तों? ये दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या होता है? कवरत्ती, याद रखिएगा। तो याद रखिए दोस्तों पुडुचेरी की राजधानी क्या होता है? पुडुचेरी। ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी क्या होता है? दमन। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो 28 राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? लक्षद्वीप का है। सबसे ज्यादा किसका है? वह दोस्तों दिल्ली का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, 50 नंबर सवाल देखिए। 50 नंबर सवाल आपके सामने है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था दोस्तों? याद रखिएगा वो था दोस्तों रामगुप्त। ठीक है, तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त जो था ये तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था दोस्तों। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही फाहियान आया था, चीनी आदि फाहियान था दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 51 नंबर सवाल है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है दोस्तों, तो 135वां है, याद रखिएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का जो स्थान है कितना है? 135वां। चलिए अगला देखते हैं, 52 नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? कौन लिया दोस्तों? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य ने, तो पश्चिम बंगाल ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा। अगला देखेंगे 53 नंबर, 53 है दोस्तों कि हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है दोस्तों, याद रखिए कौन बनी है? हरप्रीत चंडी। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है हरप्रीत चंडी। अगला है दोस्तों 54 नंबर सवाल कि भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ है, कहाँ हुआ है? हुआ है दोस्तों चेन्नई में। कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है दोस्तों, सॉरी दोस्तों हाँ चेन्नई में, याद रखिएगा कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 55 नंबर कि 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस कहाँ मनाया गया है दोस्तों? ये मनाया गया है असम में। ठीक है, याद रखिएगा, तो 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस जो मनाया गया है ये असम में मनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 56 नंबर सवाल देखिएगा, आपके सामने 56 है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है दोस्तों? याद रखिएगा ये भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। ठीक है, तो भारत में जो मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का, ये 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, अगर बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान जो गवर्नर है कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 57 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि बंद अर्थव्यवस्थाओं अर्थव्यवस्थाओं वे अर्थव्यवस्था होती है जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, क्या है? ये सही है दोस्तों। अगर बात करें कि भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि आयात और निर्यात जैसी अर्थव्यवस्था है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? 1 सही है और 2 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 सही है, कथन 1 सही है, 2 गलत है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, 58 नंबर सवाल देखिएगा। 58 नंबर है कि राज्य कमेटी किससे संबंधित है दोस्तों? याद रखिएगा ये संबंधित है कृषि से। ठीक है, राज्य कमेटी जो संबंधित है किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। अगला है 59 नंबर कि विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है हवाला कहलाता है। क्या कहलाता है? हवाला। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है हवाला।
अगला देखेंगे, 60 नंबर सवाल देखिएगा। 60 नंबर है कि अवसर लागत का अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है। अगर बात करेंगे कि अवसर लागत का अर्थ होता है, अगर बात करेंगे अवसर लागत का अर्थ क्या होता है, तो वैकल्पिक प्रयोग की लागत। ठीक है, वैकल्पिक प्रयोग का जो लागत होता है ये अवसर लागत का अर्थ होता है दोस्तों। अगला देखेंगे हम लोग, 61 नंबर सवाल देखिएगा। 61 नंबर सवाल है कि वर्णधारता में रोगी पहचान नहीं कर पाता दोस्तों लाल तथा हरे रंग की। ठीक है, याद रखिएगा कि वर्णधारता में रोगी जो है पहचान नहीं कर पाता कौन सा रंग, लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। अगला है 62 नंबर कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह दोस्तों ऑक्सीकरण। ठीक है, याद रखिएगा, अगर बात करेंगे कि शरीर में भोजन का जो पचना है किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह है दोस्तों ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, 63 नंबर सवाल देखिएगा। 63 नंबर सवाल आपके सामने है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेंढक किस प्रकार का उपभोक्ता है दोस्तों, यह है दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, याद रखिएगा कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेंढक किस प्रकार का उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे, 64 नंबर सवाल देखिए। 64 है कि SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है दोस्तों, ये बनाता है H2SO3 बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है, H2SO3। अगला है 65 नंबर कि भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है दोस्तों, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ठीक है, याद रखिएगा भाप अंगार गैस जो होता है किसका मिश्रण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65 का। चलिए अगला देखते हैं, 66 नंबर सवाल देखिएगा कि बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो पायरीन अग्निशामक। तो ठीक है, याद रखिएगा कि बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरीन अग्निशामक। अगला 67 नंबर कि मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है, वो करता है दोस्तों HIV। ठीक है, HIV इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन अमीनो वायरस। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन अमीनो वायरस। ठीक है, तो मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है, HIV करता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 68 नंबर सवाल देखिए। 68 नंबर है कि निम्न से कौन सुमेलित नहीं है, सेब मैलिक अम्ल का, इसे याद रखिएगा, सेब भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल, चाय में टैनिक यह दोस्तों सही है, दही में लैक्टिक अम्ल सही है, संतरा फॉर्मिक अम्ल दोस्तों याद रखिएगा, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल, साइट्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, 69 नंबर सवाल आपके सामने है कि जूल मात्रक है दोस्तों किसका, कार और ऊर्जा का। ठीक है, याद रखिएगा कार और ऊर्जा का मात्रक है जूल। ठीक है, कार और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, 70 नंबर सवाल देखिएगा। 70 नंबर सवाल है कि CO का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 28 AMU होता है दोस्तों। कितना होता है, CO का जो मोलर द्रव्यमान होता है कितना होता है, 28 AMU। अगला 71 नंबर सवाल है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों, तो पादप कोशिका में। ठीक है, याद रखिएगा कि कोशिका जो भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में पाई जाती है। चलिए अगला देखेंगे, 72 नंबर सवाल देखिएगा। 72 नंबर सवाल है कि मक्का जिया मैज में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है दोस्तों, क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। याद रखिएगा कि मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है कार्बोहाइड्रेट। अगला है 73 नंबर कि हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी है, 131 ग्राम। ठीक है, याद रखिएगा कि हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की जो खपत कितनी है, 131 ग्राम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 74 नंबर सवाल देखिए। 74 है कि आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु। अगला है 75 नंबर सवाल है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन से हार्मोन सहायक होते हैं। याद रखिएगा कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होते हैं, यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा दोस्तों, साइटो काइनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 75 का। अगला दोस्तों 76 नंबर सवाल है, निम्न से कौन सा सही युग्म है दोस्तों, सही है ऑप्शन नंबर बी, F-32/9 C/5। ठीक है, याद रखिएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ये कौन क्या है, ऑप्शन नंबर सी बी है दोस्तों, सही है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, 77 नंबर सवाल देखिएगा। 77 नंबर सवाल है कि मेंढक में त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन यदा कदा ही होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो मेंढक में त्वचा के द्वारा जो होने वाला श्वसन होता है ये यदा कदा ही होता है, यानी कि 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 नंबर सवाल देखिएगा, 78 आपके सामने है दोस्तों
कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दोस्तों याद रखिएगा, ये गलत है। ठीक, यकृत जो होता है दोस्तों, ये मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है, बल्कि यकृत जो होता है ये याद रखिएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, यानी कि ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, गलत है। ठीक है, अगर बात करेंगे कि यकृत का वजन वयस्क व्यक्ति में 1.5 से 2 केजी के मध्य होता है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 गलत है। 2 और 3 सही है, एक गलत है दोस्तों। ठीक है, एक गलत कैसे हुआ दोस्तों, कि मानव शरीर का सबसे बड़ी जो अंतःस्राव ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्रंथि है दोस्तों, ना कि यकृत होता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 और 3 क्या है दोस्तों, सही है। यानी पूछा कि कौन सा कथन सत्य है, तो 2 और 3 क्या है दोस्तों, सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 78 का। 79 देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिएगा 79 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, तो गाजर रूपांतरित जड़ है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, मूली रूपांतरित तना है, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, आलू रूपांतरित तना है दोस्तों, ये सही है। प्याज तथा लहसुन रूपांतरित तना है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये क्या है दोस्तों, ये सही नहीं है। ठीक है, मूली रूपांतरित तना नहीं है। चलिए अगला देखेंगे, 80 नंबर सवाल देखिए। 80 नंबर सवाल आपके सामने है कि सुरती मेहसाना मुर्रा जफराबादी किस पशु की प्रजाति है दोस्तों, ये है दोस्तों भैंस का। ठीक है, याद रखिएगा, तो सुरती मेहसाना मुर्रा जफराबादी ये किस पशु की प्रजाति है, तो ये है दोस्तों भैंस का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपके 81 नंबर सवाल से दोस्तों ये मैथ का सवाल है। ठीक है, इसका हम आपको आंसर बता देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, 81 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने, ये हो जाएगा दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 82 का। देखिए 82 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, 1:2 दोस्तों। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 83 नंबर सवाल देखिएगा। 83 का दोस्तों इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, 83 का 13% हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 13%। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 84 नंबर सवाल देखिए। 84 जो आपका सवाल है ये दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2/45 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 2/45। ठीक है, अगला देखेंगे 85 नंबर सवाल देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 85 का ऑप्शन देखिएगा तो 1.89। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1.89 रुपया हो जाएगा, यानी कि 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 86 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा 86 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों, 2025 तक रखा है। याद रखिएगा कि दिल्ली सरकार ने कब तक, 2025 तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों। याद रखिए यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, दिल्ली में वर्तमान में केजरी है दोस्तों, केजरीवाल दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 87 नंबर सवाल है कि पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है दोस्तों, ये शांतनु कुमार। ठीक है, याद रखिएगा कि पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है, शांतनु कुमार। चलिए अगला देखेंगे 88 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। सबसे पहले इधर फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 है, इधर विजेता है दोस्तों, तो डूरंड कप का विजेता कौन है, बेंगलुरु FC, ये सही है दोस्तों। 75वां संतोष ट्रॉफी कौन जीता है दोस्तों, केरल जीता है, ये भी सही है। इंडियन सुपर लीग दोस्तों कौन जीता है, हैदराबाद FC, ये भी सही है। UEFA चैंपियनशिप लीग चेल्सी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, ये मिलान दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अगला आपके सामने है 89 नंबर सवाल देखिए। 89 नंबर सवाल आपके सामने है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है किसे किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, याद रखिएगा ये किया गया है सभी को, अनिल प्रकाश जोशी को भी, विद्युत मोहन को और रिद्धमा पांडे को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है किसे किसे सम्मानित किया गया है, अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन, रिद्धमा पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। अगला 90 नंबर सवाल है 29 जून 2022 को कहां पर GST परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई है, ये किया गया दोस्तों चंडीगढ़ में। ठीक है, 29 जून 2022 को कहां पर, तो चंडीगढ़ पर GST परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 91 नंबर सवाल देखिएगा। 91 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है, सवाल पढ़िएगा कि QS बेस्ट स्टूडेंट सीरीज पैकेज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया दोस्तों, यह है दोस्तों लंदन। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 91 का ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने 92 नंबर सवाल देखिए। 92 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर
क्या रखा गया है दोस्तों, ये रखा गया दोस्तों संभाजी नगर रखा गया है, ठीक है। तो हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है, संभाजी नगर। अगला 93 नंबर सवाल आपके सामने है कि फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ये लिया दोस्तों फिलीपींस, ठीक है। याद रखिएगा कि फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के, तो फिलीपींस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। फिलीपींस की राजधानी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा हेलसिंकी जो है फिलीपींस की राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा। फिलीपींस को अगर बात करेंगे, याद रखिएगा दोस्तों वियतनाम की राजधानी क्या है दोस्तों, हनोई, ठीक है, याद रखिएगा वियतनाम की राजधानी क्या है दोस्तों, हनोई। थाईलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, बैंकॉक। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं 94 नंबर सवाल, देखिए 94 नंबर सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम पैंक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है दोस्तों, ये ले रहा है INS सतपुड़ा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम पैंक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है, INS सतपुड़ा। अगला है 95 नंबर कि दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये किया गया दोस्तों हैदराबाद में, ठीक है। तो दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का जो उद्घाटन कहाँ किया गया है, हैदराबाद में किया गया है। अगला देखेंगे 96 नंबर सवाल, देखिएगा कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो 89.94 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर, तो 89.94 मीटर दूर भाला फेंक कर अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया दोस्तों नीरज चोपड़ा। अगला है 97 नंबर सवाल है कि हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया दोस्तों मुंबई में, ठीक है। तो हाल ही में कहाँ पर, तो मुंबई पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अगला देखेंगे 98 नंबर सवाल, देखिएगा 98 आपके सामने कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, ये क्या है दोस्तों नासा, ठीक है, या देखिएगा नासा का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1968 को हुआ था, ठीक है, 1958 को दोस्तों, या देखिएगा 1958 को, ठीक है, 1958 को नासा का स्थापना हुआ दोस्तों, या देखिएगा। अगर बात करते हैं कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1969 को हुआ था, कब हुआ था 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था, वर्तमान इसरो का अध्यक्ष सोमनाथ था, क्या दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों कि नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन DC में स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 99 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंत्री 2022 का आयोजन किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ किया गया है। अगर बात करेंगे ये किया गया दोस्तों जोधपुर में, ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर, तो जोधपुर में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंत्री 2022 का आयोजन किया है। अगला दोस्तों आज का लास्ट सवाल 100 नंबर सवाल दोस्तों, 100 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, ये किया गया दोस्तों याद रखिएगा लिस्बन, कहाँ किया गया दोस्तों लिस्बन, लिस्बन की राजधानी है, तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है दोस्तों लिस्बन, ठीक है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, लिस्बन दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमने 100 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अगर आप चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।